बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अलीज़ा साहिब ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से ता फरमाए, आमीन। तो जी अभी हम बना रहे हैं अफ्तारी, और कैसे बनाते हैं वो आपके साथ तरीका शेयर करते हैं। तो जी अभी हम बना रहे हैं दही बल्ले, और जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही पसंद किए जाते हैं। और ये बनिया है भिगोई हुई, ये डाली है, और दही डालेंगे, दही फेंट के डालेंगे। और जी ये मैंने लिए हैं प्याज, तीन से चार, तीन अदद तकरीबन प्याज है नॉर्मल साइज के, इनको डाल लेंगे बारीक कटे हुए। और जी ये आलू, आलू लिए हैं, खीरे और टमाटर लिए हैं, इनको भी डाल देंगे। मिर्च है, इसको इसका पेस्ट बनाया हुआ है, जैसे कि मिर्च होती है वही है, धनिया मिर्च और जीरा नमक वगैरह सारा कुछ इसमें डाला हुआ है कि डाल देंगे इसमें। ये भी मुझे पता नहीं है क्योंकि रोज़ा मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती, तो हम डालेंगे बाद में देख लेंगे तो कम या ज़्यादा हुआ मेरे हिसाब से सारा ही जाएगा। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, और ऐसे ही और भी जो चीज़ें हम बनाते हैं काली में वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी ये दही भले बन गए हैं, अगर इनमें नमक मिर्च अगर कम हुआ, तीखापन अगर हमें ज़्यादा बनाना हुआ तो हम इसमें चाट मसाला या चूरन जो था वो ऐड कर देंगे, टेस्ट अच्छा बन जाएगा। तो जी अभी फिलहाल ये हो गया है, दीवार में देख लेंगे टेस्ट वगैरह करके देख लेंगे। तो जी सभी का रोज़ा है, तो जी अभी हम इसको ढाल देंगे और चीज़ें रेडी करेंगे, और चीज़ें हम कैसे रेडी करते हैं वो भी आप देखें। तो जी अभी हम बनाएंगे मम्मा जानी के साथ मिल के अफ्तारी, और मैडम साहिबा जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी मैडम साहिबा हमारे पास मौजूद हैं, हमारी हुरैन फातिमा प्यारी सी उन्नी सी डॉल। हुरैन ने रोज़ा रखा हुआ है, भूख लगी आपको? भूख लगी है? कह रही जल्दी जल्दी से मुझे चिप्स बना दो पहले। तो मम्मा जानी आज की बनाएंगी, और मैं मम्मा जानी की हेल्प करूंगी क्योंकि मम्मा ज्यादा एक्सपर्ट हैं, जल्दी बना लेंगी, मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम भी कम रह गया है। बस एक दूसरे की हेल्प करेंगे और जल्दी जल्दी से बना लेंगे। और हुरैन को क्या पसंद है? चिप्स पसंद है, अंडा पसंद है, सारा कुछ माशाल्लाह खा लेती है, मिर्च मसाला नहीं इतना पसंद करती। जी सबसे पहले हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया हुरैन आती है, बाद में बाकी सब आते हैं। तो पहले हमारी जो गुड्डी है प्यारी सी, उसकी चिप्स बन रही है ना गुड़िया, इधर आओ। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी गुड्डी, आप हमारी गुड़िया आओ, हवाई हवाई हंस रही है। जी बिस्मिल्लाह, क्या बना रही है ना? आलू की टिक्कियां और साथ में बैंगन की टिक्कियां पकौड़े, ऐसी चीजें अब क्या करेंगे। क्या क्या डाला है इसमें मम्मा जी बताएं ना, कैसे बनाया है? ये मैंने दो अंडे डाले इसमें, आधी चम्मच हल्दी की, 1/2 चम्मच सुरख मिर्च, और 1 नमक की चम्मच, और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। तो जी अब इसे डीप फ्राई करके करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनेगी।
मेरी गुड़िया रानी की हमारी पहले से गुड़िया की चिप्स हो गई है फ्राई, और इसकी चिप्स डालेंगे गुड़िया की। और इसके अलावा हम अभी बनाएंगे बेसन, और वो जो बेसन हमने मिक्स किया हुआ है उसमें बनाएंगे आलू और वो बैंगन की टिक्कियां। मम्मा जी ने जो बेसन मिक्स किया है वो ना ही पतला है और ना ही गाढ़ा है, नॉर्मल है, जिसमें इजीली जो आलू की जो टिक्कियां गोल गोल आलू पकती हैं वो इजीली इसमें डीप हो जाएंगी और इजीली पहले बनाई है आलू की टिक्कियां और बाद में बनाएंगे हम बैंगन की टिक्कियां। बताऊंगी बस मसाला वो बेसन इस तरह से बारीक बारीक से काटते हैं, इसी तरह से हमें बैंगन काटते हैं ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक से पतले से। तो जी आलू की टिक्कियां बन गई हैं और अभी बन रही हैं बैंगन। बताऊंगी टिक्कियां ये बैंगन बहुत ही आसानी से और बहुत ही मजे की बनती है। आलू भी इसी तरीके से, बैंगन भी इसी तरीके से बनती है। तो जी आलू भी बन गई थी और जो बैंगन की है वो डाली हुई है और थोड़ी थोड़ी चीजें बनाते हैं हम, और थोड़ी थोड़ी मतलब ज्यादा चीजें होती हैं क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि काफी सारा सामान हो इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाया है, वैसे खाने लगे तो दो दो पीस भी नहीं खाने। तो जी अभी मम्मा जानी बना रही हैं पकौड़े और जो मसाला वगैरह हमने बेसन वो बेसन पहले बनाया था हमने आलू और बैंगन के लिए वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं पकौड़ों के लिए। उसी में और मसाले वगैरह डालेंगे जो कम होगा और पालक वगैरह डाल रही हैं। मम्मा कैसे बना रही हैं बता दें थोड़ा सा। आलू डाले हैं, प्याज और इसमें पालक डाली है, सब्ज़ी मिर्चें डाली हैं, अब नमक मिर्च और मम्मा जानी के हाथ की ना सारी टेस्टिंग प्यारी होती है माशाल्लाह। ये हम गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, आठ से दस मिर्ची सब्ज मिर्ची भी डाली है। तो जी मैंने कहा मैं कौन सा इतनी एक्सपर्ट हूँ, मम्मा जानी ज्यादा एक्सपर्ट है, जल्दी जल्दी बना लेंगी। बेसन छान के रखा हुआ है, बेसन ऐसे डालेंगे।
माशाल्लाह जी हमारी इफ्तारी भी डन हो चुकी है। माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छा रोज़ा गया, और आपने इफ्तारी किस तरीके से की आज की वो भी बताइएगा कमेंट में। और जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी लाइक कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी लेके आते रहेंगे। और सभी को फिर से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।